अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर, मुझे कहाँ भेजेंगे बता जरा। तो हिंदू ही है ना? कहाँ हिंदू, किसने कहा? ना मैं तो बिल्कुल हिंदू नहीं हूँ। और क्या है ना, मैं कहाँ हिंदू? जो हिंदू धर्म देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म देश की चौथाई आबादी दलितों को पढ़ने से वंचित करता हो, जो 52% ओबीसी को पढ़ने के लिए वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म सिर्फ 3% ब्राह्मण को शिक्षा, 4% ठाकुरों को लड़ने के लिए और 5% बनियों को सिर्फ बिजनेस करने की अनुमति देता हो और उसके बाद तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश करता हो, ऐसे हिंदू धर्म को आग लगा दो। क्या करना है हिंदू धर्म का? एक ही चौपाई पे जूता बांध रहा है पिछले एक महीने से, ढोल के बाहर शूद्र पशु नारी। अच्छा कह रहे हैं कि साहब उसका मतलब जो है वो ताड़ने का मतलब शिक्षा, अभी नया शब्द बोले आए, पहले कहते थे ताड़ने का मतलब देखना होता है, अब ये नया लिया कि ताड़ने का मतलब शिक्षा करना होता है। ढोल ले जाओ यहीं रखेंगे, और एक बड़े से बड़ा शंकराचार्य बोला बताओ इस ढोल को कैसे पढ़ाओगे। ओहो भारत तो पता नहीं कहां कहां पढ़ा, भारत की छोड़ो तुम, भारत तो भाई साहब घरवाली से डर के घरवाली के पैरों में पड़ जा। मैं कह रहा हूं कि भगवान को मैं नहीं मानता यार, मैं भगवान को नहीं मानता हूं ना मानूंगा, ये तय कर लें। एक तरफ तो उनका शंकराचार्य और रामभद्राचार्य पता नहीं कौन सा आचार्य है चार है, वो एक तरफ तो ये कहता है कि जी क्या नाम है, मोदी जी को पता नहीं है कितना नुकसान कर दिया बुद्ध ने इस देश में सनातन का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ना जी बुद्ध तो हमारे चाचा थे, बुद्ध तो हमारे दादा थे। अरे भैया तय कर लो, एक तरफ तुम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ करके राम मंदिर बना रहे हो, यहाँ तुम आए दिन कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी राम रहीम, कभी कोई, हर 2 साल के बाद में तुम नया महात्मा नया बाबा ला करके अंधविश्वास फैला रहे हो, तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने अधिकार मांगने के लिए अगर आपको लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा तो लोग आंदोलन करेंगे, और एक बार नहीं 100 बार करेंगे। आप NRC जबरदस्ती थोप रहे हो, आप SC ST एट्रोसिटी एक्ट को जबरदस्ती खत्म करो तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि अब हमारे पास में अपना संविधान है, अब हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम आंदोलन का सही गलत आंदोलन को यह समझ रहे हो कि संविधान को तुम लागू नहीं करोगे, लोग आंदोलन भी ना करें, बोला भी ना, तो इसका मतलब तुम तो ये करना चाह रहे हो कि लोग आप पिटाई भी करो और लोग चीखे भी ना, तो ये कौन सा तरीका भाई? लेकिन हो क्या रहा, कोई कह रहा संविधान कॉपी किया है, कोई कह रहा है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। ये सब पागलों की टीम हो रही है, जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसे पकड़ो और कुत्तों वाली वैन में डालो और पागलखाने ले जाओ, ठीक है, वहां ले जाकर उसे एडमिट करो। पागल है, चमत्कारी है, ये पागल है सबके सब, कोई चमत्कारी नहीं है। एक वो लड़की नहीं देखी आजकल जो सहा टीवी बड़ी छा रही है, जो क्या नाम वो बताती है, सुहानी सहा। मैं तो कह रहा हूँ कि एक मुकाबला करा दो, पैसा हम खर्च करेंगे, रामलीला मैदान बुक करो, उसमें टेंट लगाओ, उसमें एक तरफ सुहानी सहा होनी चाहिए और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री, इन दोनों का मुकाबला कराओ, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सुहानी सहा जो है वो कह रही है ये कला है, वो कह रहे नहीं चमत्कार है, तो पता चल जाएगा चमत्कार है या कला है, क्या है? आप भी यूपी से आते हैं, माननीय CM योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है। योगी जी के घर का धर्म है ना भाई, मेरे घर में मेरा धर्म राष्ट्रीय धर्म कौन सा सनातन है, तो उनके घर का धर्म होगा, देश का धर्म थोड़ी है। अब स्वामी जी जो राष्ट्रीय का मतलब क्या? अरे तो उनके घर में उनका उनका उनका, उनका जो राष्ट्र उनका घर ही है बस, और कौन सा, घर से बाहर कौन पूछ रहा है उन्हें? राष्ट्रीय मंदिर बनना है। ओहो राष्ट्रीय मंदिर बना लो, राष्ट्रीय मस्जिद बना लो, राष्ट्रीय कुछ बना लो, लेकिन राष्ट्रीय संविधान है और राष्ट्रीय संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। गीता किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कुरान किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, गुरु ग्रंथ साहब किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, त्रिपिटक किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके कुछ है तो वो भारत का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। विरोध क्यों करते हैं? कहां विरोध कर रहे हैं भाई, हम कहां कर रहे हैं विरोध? हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे। अरे हम हिंदू राष्ट्र मानस को, हम हिंदू राष्ट्र क्यों बन जान दे इस देश को? मैं हिंदू नहीं हूं, आई एम नॉट हिंदू। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा फिर, मुझे कहां भेजेंगे बता जरा। तो हिंदू है ना? कहां हिंदू, किसने कहा? ना मैं तो बिल्कुल हिंदू नहीं हूं। और क्या है ना, मैं कहां हिंदू? मैं तो जब पैदा हुआ था मेरे कान में बनते ही आए थे, बोल करके गए थे तू राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेगा ना उनकी पूजा करेगा। वो दूसरी बोल करके गए थे कि तू ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेगा ना उनकी पूजा करेगा। तीसरी बात मेरे कान में बोली थी भंते जी ने, बौद्ध भिक्षु ने, क्या तू कोई भी काम कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराएगा और ना कभी मंदिर जाएगा, तो मैं हिंदू कहां रह गया? जब मेरे पहली मेरे सब कान में डाल दिया मैं बुद्धिस्ट हूं। विष्णु के अवतार थे 10वें। कौन कह रहा है, कहां लिख रहा है? हम सब लोग अरे कहने को छोड़ो, लिख कहां रहा, कौन से इनके कौन से धर्म ग्रंथ में लिख रहा है? ये तय कर लें। एक तरफ तो उनका शंकराचार्य और रामभद्राचार्य पता नहीं कौन सा आचार्य है चार है, वो एक तरफ तो ये कहता है कि जी क्या नाम है, मोदी जी को पता नहीं है कितना नुकसान कर दिया बुद्ध ने इस देश में सनातन का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ना जी बुद्ध तो हमारे चाचा थे, बुद्ध तो हमारे दादा थे। अरे भैया तय कर लो, एक तरफ तुम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ करके राम मंदिर बना रहे हो, एक तरफ तुम्हें बुद्ध से इतनी आपत्ति है उनकी बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर रहे हो, एक तरफ पुष्पमित्र सिंह जो है वो 183 ईसा पूर्व में है बौद्ध भिक्षुओं को मार मार के कतलेम करके भगा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये बौद्ध जो थे वो विष्णु के पता नहीं कौन से अवतार थे। तो ये जो टीम इकट्ठी हो रही है ना, ये बुद्ध के बिना इनका गुजारा नहीं है। अगर बुद्ध को अपना नहीं बताएंगे तो विदेशों से भीख मिलनी बंद हो जाएगी इनको। विदेशों में बुद्ध के खिलाफ जो है उन्होंने मोह दिखा रखा है और भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, बुद्ध जो है ये 2-3 महापुरुष हैं जिनके गले की हड्डी बने हुए हैं, बुद्ध कबीर और डॉक्टर अंबेडकर, ये 3 इस धरती पे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो हिंदूवाद के गले की हड्डी बने हुए हैं, जो ना निगले बन रहे हैं जो ना उगले बन रहे हैं। अरे आप जैसे लोग समाज में दरार डाल रहे हैं ना, हम तो दरार बांट रहे हैं। अगर 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 लोगों को ये लग रहा है कि हमारे जैसे लोग समाज में दरार डाल रहे हैं तो हाँ ठीक है डाल रहे हैं।
तुम्हारे लिए दरार है तो तुम्हारे लिए दरार होगी, लेकिन मेरे लिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, मानवता समता भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। हिंदू धर्म में बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? सब कुछ अच्छा है। एक एक अच्छाई बताओ। जो हिंदू धर्म देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म देश की चौथाई आबादी दलितों को पढ़ने से वंचित करता हो, जो 52% ओबीसी को पढ़ने के लिए वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म सिर्फ 3% ब्राह्मण को शिक्षा, 4% ठाकुरों को लड़ने के लिए और 5% बनियों को सिर्फ बिजनेस करने की अनुमति देता हो और उसके बाद तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश करता हो, ऐसे हिंदू धर्म को आग लगा दो। क्या करना है हिंदू धर्म का? तो पुरानी बात हो, पुरानी। अरे तो धर्म ग्रंथ तो वही है, धर्म ग्रंथ तो वही है भैया। अगर मनुस्मृति लागू करोगे तो धर्म ग्रंथ तो वही है। तो बदलाव कर रहे हैं ना? तो कहां बदलाव कर रहे हैं? एक ही अरे जगह शिक्षा कर दिया। हां तो मैं कहता हूं एक ही चौपाई पे जूता बांध रहा है पिछले एक महीने से, ढोल के बाहर सूत्र पसुनारी। अच्छा कह रहे हैं कि साहब उसका मतलब जो है वो ताड़ने का मतलब शिक्षा। अभी नया शब्द बोले आए, पहले कहते थे ताड़ने का मतलब देखना होता है, अब ये नया लिया कि ताड़ने का मतलब शिक्षा करना होता है। ढोल ले जाओ यहीं रखेंगे, और एक बड़े से बड़ा शंकराचार्य बोला बताओ इस ढोल को कैसे पढ़ाओगे, कौन सा तरीका है पढ़ा से पढ़ा, उसे ABCD सिखा दो तुम। वो तो बाद की बात, तो ग्रामर और ट्रांसलेशन एक्टिव पैसिव तो बाद में, पहले से ABCD सिखा दो तुम ढोल को। नेगेटिव चीज देते अच्छी, हम नेगेटिव नहीं दे रहे, वैज्ञानिक सोच दे रहे हैं गजेंद्र जी। और ये वैज्ञानिक सोच से इनको, इनका जो धर्म है ना ये धंधा है दरअसल, और जब जब इनके धर्म पे प्रहार करोगे तुम इस देश में ब्राह्मण को रोज गाली बकोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण बाबा के सामने विज्ञान फेल है उनके सामने। हां तो वो, अरे भाई साहब वो लड़की है बच्चे 26 साल की सुहानी साहा, उसके सामने सारा फेल हो रहा है, उसके सामने वो धीरेंद्र शास्त्री भी फेल हो रहा है। कहां फेल हो रहा है? तो मैं तो कह रहा हूं ना पैसे मैं लगाऊंगा, दोनों को रामलीला मैदान में बैठाओ, हमने सामने पता चलेगा किसमें कितनी ताकत है, किसके तत्वों में कितनी ताकत है। अगर सुहानी साहा ठीक करिए तो उसको मैं तो कह रहा हूं उसे शंकराचार्य बनाओ इंडिया को, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। भाई साहब देखती बताते भाई किसने सुबह कौन सी रोटी खाई थी, घरवाली से झगड़ा हुआ नहीं हुआ, कला है ये। और कला ये और क्या है, गुमराह कर रहे हैं। और जो धीरेन्द्र शास्त्री गुमराही कर रहा है और क्या कर रहा है, उनके पैरों में पड़ा हुआ है। ओहो भारत तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा, भारत की छोड़ो तुम, भारत तो भाई साहब घरवाली से डर के घरवाली के पैरों में पड़ जा। तुम धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर भी आदमी है, शास्त्री से डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं है, इस देश के अंदर 80% लोग अंधविश्वासी हैं, उनको चमत्कार की तलाश में रहते हैं, उनको अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। मैं तो नहीं गया आज तक कभी मंदिर मस्जिद, मैं कहां गए बताओ, हम आज तक जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, जीवन में कभी पंडित जी से नहीं मिला। संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, संस्कृति को थोड़ी खत्म कर रहे हैं, हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो अगर 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 इस देश के अंदर कहीं भगवान नाम की कोई चीज है, राम कृष्ण जितने को ये भगवान और ईश्वर मानते हैं, अगर इनमें कोई ताकत है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसको पता था कि मैं धरती पे पैदा होने के बाद में राहुल नागपाल तुझे नहीं मानेगा तो उसने मुझे पैदा क्यों करा, मेरा पहला सवाल वो भगवान से। और दूसरा सवाल, जब इस देश के अंदर 5-5 साल की बच्चियों के साथ में रेप होते हैं और भगवान कुछ नहीं करता है तो कहां है भगवान? और जब सुनो उस इसी मंदिर इसी धरती पर जब मंदिरों में 5-5 साल की बच्चियों के साथ में पुजारी रेप करता है तब भगवान दंड क्यों नहीं देता है? इस देश के अंदर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये भगवान नाम का एक षड्यंत्र है जो चतुर और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। आपका षड्यंत्र, आप हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलते हैं। हिंदू देवी, अरे मैं कह रहा हूं आपको ईसाइयों के खिलाफ, मैं कह रहा हूं ना हिंदू देवी, मैं ईसाई यार, ईसाई मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे, मुसलमान मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे। मेरा आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है क्या? मेरे आरक्षण का विरोध हिंदू कर रहा है क्या? ईसाई कर रहा है क्या? सिख कर रहा है क्या? नहीं कहां कर रहे हैं बताओ मुझे, बताओ मेरे किस अधिकारी की सीआर खराब जो वो मुस्लिम ने करी है, किस अधिकारी? फूंक मारते हैं रोज। अरे भाई साहब फूंक मारने दो, कान में मार दो, मैं तो नहीं जा रहा ना। मैं तुमसे सिर्फ मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आप मेरे सवाल को जवाब को कंप्लीट होने दें। इस देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं कह रहा हूं कि भगवान को मैं नहीं मानता यार, पेरियार के 15 सवाल आज तक जिंदा है। केस होगा? अरे केस नहीं, तुम मुकसाला कोट पैंट सब कुछ कर दो, मेरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैं भगवान को नहीं मानता हूं ना मानूंगा, जो भगवान में ताकत और मैं करूं, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है। पैसा मिलता है? नहीं, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है और मैं ये कह रहा हूं कि भगवान में ताइए, मेरे और भगवान के बीच का झगड़ा है, तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं भगवान से झगड़ू, भगवान मेरा बिगाड़ेगा, मैं भगवान का बिगाड़ूंगा। इस देश के अंदर किसी तीसरे आदमी को हमारे और भगवान के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई तीसरा आदमी बोलता तो समझ लो वो हमारे और भगवान के बीच में जो बैठा हो भगवान उसने बनाया और भगवान के नाम पे हमसे चंदा लेकर अपना घर चला रहा है। सुधीर चौधरी अपने शो में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो कॉपी है, तो प्रूफ करें इस चीज को, या तो प्रूफ करें वो इस चीज को कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा वो कॉपी है, तो कॉपी कहाँ से किया गया? कहीं ना कहीं से तो किया गया होगा ना। अगर कॉपी है तो वो प्रूफ करे, और अगर प्रूफ नहीं कर सकता है तो माफी मांगे, दो काम में से एक काम करें। ये जितने घूम रहे हैं ना, ये चोटी वाले पत्रकार जितने घूम रहे हैं, इनका टाइम चल रहा है खराब। मुझे खतरा इस बात का है किसी दिन ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएं, पब्लिक इन्हें दौड़ाए ना, क्योंकि इन्होंने अति कर दी।
और भी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब मूर्ति के खिलाफ थे, उनके अनुयायी बाबा साहब की मूर्ति बनाए जा रहे हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति हम क्या बना रहे हैं? हमने तो बाद में बनानी शुरू करी, पहले तो सरकार ने बनानी शुरू करी। वो पूछे ना अपने चाचा से नरेंद्र मोदी से, जो क्या नाम 26 अलीपुर रोड बनाया, 15 जनपद बनाया है, और जो पंचतीर्थ स्थल बनाया, क्यों लगाई है मूर्ति? जो जाकर के नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं और मूर्ति बनवा रहे हैं 40-40, 50-50 फुट की, क्यों बनवा रहे हैं भाई? हमने कहा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पर के विचारों बताना नहीं चलेगा। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके जो ये छुटभैया पत्रकार हैं, ये जिस भाषा को बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं सारी भाषा को, ये का काम कर रहे हैं। ईमानदारी की बात ये, सुधीर चौधरी जैसे जितने पत्रकार हैं और ये जितने अनपढ़ और कुपड़ घूम रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है बाबा साहब का हिंदुकरण करना। वो तो बाबा साहब की 22 प्रति के बीच में आ जाती है तो हिंदुकरण नहीं कर पा रहे हैं ये, अन्यथा बाबा साहब का हिंदुकरण करना, बाबा साहब का अपमान करना। अब हिंदुकरण नहीं कर पा रहे तो उनका अपमान ही कर लो चलो इस बहाने से। तो ये जो कह रहे हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो कॉपी कर रखा है, तो सुधीर चौधरी बताया कि कहां से कॉपी कर रखा है। नहीं, सुधीर चौधरी तो तमाम लोग कहते हैं ना। नहीं, फिलहाल तो, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया से पढ़ने के बाद में बनाया, यही तो कह रहे हैं लोग। तो पूरी दुनिया के संविधान पढ़ना भी कोई पढ़ने को तो कॉपी समझ रहे हैं। अरे कॉपी है तो तुमने क्यों नहीं कर लिया कॉपी? तुम्हारे हाथ में तो 3000 साल से कलम थी, तुम्हें कॉपी करने से किसने रोक लिया? तुम्हारी कर्म नहीं चल रही थी? अरे रामायण तुमने इतने बड़े धर्म ग्रंथ लिख दिए, वेद लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, मनुस्मृति लिख दी, लेकिन तुम क्या नाम है कॉपी करने की, तुमने इतनी भी अकल थी कि कॉपी कर लो? का मतलब सीधा सीधा सा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित कैसे कर सकते हैं? और इनको ये पता नहीं है कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकरवादी समाज है ना, ये बाबा साहब से इतना प्यार करता है कि अगर कोई उनकी उंगली पर भी हाथ लगा देता तो रोड जाम हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस आज तक में और कल तक में जिस चैनल में वो है, कहीं उसके आज तक की ईंट से ईंट बजा दें, वहाँ मिट्टी भी ना मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पंगा ना लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। सुधीर चौधरी के लिए हमारा वो क्या नाम है, अपना ओबीसी समाज का आदमी है, जाट आदमी है, उसे हमारी वो है बहुजन समाज का आदमी है, ऐसी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग ना करे बाबा साहब के लिए। और अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया तो जिस दिन रोड पर मिल गया वो, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों से, जिस दिन सुधीर चौधरी तुम्हें कहीं ग्राउंड पर रिपोर्ट करता मिल जाए, उसका गरेवान पकड़ के उसका माइक छीन के कहना कि पहले प्रूफ करके बता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ से कॉपी करा भारतीय संविधान, बताएगा ना वो? कि आरोप लगा देना आसान है ना। अरे यहाँ सारी दुनिया मनोज मुंतशिर की तरह थोड़ी घूम रही है, किसी कवि की अंग्रेजी में कविता चुराई और हिंदी में टाइप करके कह दी कि मैंने लिखी है, ये पागल थोड़ी है लोग। इस देश के अंदर बड़े बड़े संविधान विद बैठे, ये कौन सा है, कहाँ से पढ़ गया संविधान, कौन सी लाइन कॉपी करी है, बताए तो सी एक लाइन कहाँ से कॉपी करी गई है। और ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बना दिया तो वो फिर आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, और लोग रोज आंदोलन करते हैं। जब संविधान आप सही तरीके से लागू नहीं करोगे, संविधान के विरोध में काम करोगे, मनुस्मृति को इस देश के ऊपर लागू करना चाहोगे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहोगे इस देश के, जबकि संविधान ये कहता है कि संविधानिक सोच को डेवलप होनी चाहिए।